नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप सवाल पूछ पाएंगे, हमारे साथ दो एक्सपर्ट होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो हम आपको बता दें। और पहली खबर यहाँ पर सोयाबीन को लेकर है, क्योंकि सोयाबीन का भाव 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के पार चला गया है। एक बड़ी तेज़ी और रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब पहुंच चुका है सोयाबीन का भाव, और क्लोजिंग जो है 4,975 के भाव पर हुआ है। सोयाबीन ही नहीं, सरसों, सोया तेल, पाम तेल, यहाँ पर भी ठीक ठाक तेज़ी का माहौल बना है। तो अब सवाल ये है कि क्या अभी और तेज़ी बाकी है या तेज़ी पूरी हो चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज दो ईडी जुड़े हैं। जी हाँ, ईडी, एक सोपा के ईडी हैं डीएन पाठक साहब इंदौर से, और एक सी के ईडी हैं डॉक्टर बीबी मेहता मुंबई से। दोनों अलग अलग संगठन की नुमाइंदगी करते हैं। मेरा पहला सवाल डीएन पाठक साहब आपसे ही होगा, चूँकि आप सोयाबीन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आप ये बताएं कि क्या हो क्या गया है और क्यों दाम इतने बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप प्राइस के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं। तो आप जरा सूरत हाल बताएं मार्केट का, कि डिमांड सप्लाई के हालात अभी मार्केट में कैसे हैं, जिसने बाजार में तेजी लाने का काम किया है। देखिए, शॉर्ट टर्म में डिमांड सप्लाई में क्या है, शॉर्ट टर्म में सप्लाई स्क्वीज हो गई है। अच्छा, क्योंकि ब्राजील की सारी क्रॉप चाइना ने खरीद दी है, स्टोरिंग स्टॉक। अच्छा, आवर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वर देयर, a lot of people had booked forward orders which have to be met. So suddenly एकदम एक टाइटनेस आ गई है शॉर्ट टर्म में डिमांड सप्लाई में, इसलिए भाव बढ़ रहे हैं। अब कितने बढ़ेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऑब्वियसली टाइटनेस है, करेंटली देयर इज अ टाइटनेस एंड द एक्सपोर्ट ऑर्डर आर स्टिल गोइंग ऑन। वी एक्सपेक्ट द एक्सपोर्ट टू बी एज आई सेड 18 से 20 लाख हो सकते हैं। अच्छा, तो ये उसकी वजह है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सप्लाई कम हो गई है, उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। डॉक्टर मेहता, आपका क्या मानना है सर? जो बात, अच्छा लगता है भी हमारा संपर्क उनसे नहीं हुआ है, वो जुड़ रहे हैं। लेकिन पाठक जी, एक चीज़ आप बताएं सर, कि जो सप्लाई की दिक्कत की बात आप कर रहे हैं, क्या ये दिक्कत अभी और बढ़ने वाली है या ये दिक्कत अब खत्म होने वाली है? ये बड़ा लोडेड सवाल है कि दिक्कत खत्म होने वाली है। मुझे खत्म होती तो नहीं दिख रही है, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन तो इस बार डेफिनेटली टाइट थी इन स्पाइट ऑफ द क्रॉप, क्योंकि लेकिन एक बात हो सकती है कि अगर इस भाव पे रहेगा तो सोयाबीन डीओसी के भाव बहुत बढ़ गए हैं, तो ये हो सकता है कि पोल्ट्री वाले थोड़ी इंक्लूजन कम कर दें तो यहाँ की जो डिमांड है वो थोड़ी सी टेपर हो जाए, जो हमने एस्टिमेट किया था। लेकिन उसमें एक्सपोर्ट से वो उतना ही बढ़ावा ऑलरेडी हो चुका है। ये सवाल तो लोडेड क्यों है सर? अब वो आप बात तो वही कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगी घटेगी, आप तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो बड़ा बहुत ही आसान सवाल जो एक आम दर्शक के मन में होगा कि आगे सप्लाई ठीक हो जाएगी या दिक्कत बनी रहेगी, तो इसको तो अनलोडेड कहने में भी दिक्कत आ रही है, आप कह रहे हैं कि लोडेड सवाल है। चलिए ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई बहुत, ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा ईज होती दिखाई नहीं देती, थोड़ी टाइटनेस है। अच्छा, जितनी अभी दिख रही है कि अब लोग बोले 5,000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। Okay. Now, I don't know whether that is correct because अभी तो अर्जेंटीना ब्राजील क्रॉप आने वाली है। हाँ, तो उससे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है सर, आप बने रहें। आपके एक दूसरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर बीबी मेहता, सीकेईडी है। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है सर, तिलहन का मार्केट अभी आगे कैसा परफॉर्म करने वाला है? देखिए, अपनी तिलहन की मार्केट है वो इंटरनेशनल पे डिपेंड है। हाँ, ब्राजील, अर्जेंटीना का सोया क्रॉप, यूएसए का क्रॉप, मलेशिया का पाम ऑयल, इस सारे चीजों पे पुट टुगेदर सारी जगह पे शॉर्टेज चल रही है। और सनफ्लावर देखो, सनफ्लावर तो सबसे शॉर्टेज में, उसके वजह सारी कमोडिटी मार्केट तेज है। दूसरा, फ्री मनी जो वर्ल्ड में घूम रहा है, फ्री मनी, सब फ्री मनी जो है, पैसा है, कहाँ मिल रहा है सर फ्री मनी, कहाँ पे है बताया जरा? फ्री मनी जीरो इंटरेस्ट पे जो आ रहा है पैसा, जीरो इंटरेस्ट पे, उसके वजह से कॉमोडिटी में ज्यादा से ज्यादा बाइंग हो रहा है। अच्छा, वो भी एक मार्केट को तेज कर रहा है। ओके, और बाकी रहे जो अभी आप पाठक साहब को पूछ रहे थे, तो मैं इतना जरूर बताऊंगा, सोयाबीन के दाम बढ़े हैं तो सोयाबीन मिल के दाम बढ़े हैं। अच्छा, सोयाबीन की शॉर्टेज तो सोयाबीन मिल के दाम बढ़े, और इंडिया हैज गॉट अ फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी टू पुश दी सोयाबीन मिल। आज यूएसए में इंडिया से सोयाबीन मिल जा रहा है, जो सबसे दुनिया से सबसे ज्यादा पैदा करता है सोयाबीन, वहाँ इंडिया का सोयाबीन मिल जा रहा है। तो सोयाबीन
सोयाबीन सीड के भाव इसलिए बढ़ रहा है कि सोयाबीन ऑयल तेज है, सोयाबीन मिल तेज है, तो नहीं चले सोयाबीन सीड के भाव ऊपर जाएंगे तो उसे किसान को तो फायदा ही है, उसके कोई नुकसान तो किसान को है ही नहीं। अच्छा नहीं तो सर ये तो ताज़ा हालात आपने बताया, लेकिन मैं आपसे मेहता जी ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या यही हालात यही सिचुएशन अभी कंटिन्यू रहने वाला है या आगे कुछ इसमें बदलाव होगा? देखिए जो मस्टर्ड का क्रॉप सामने दिख रहा है जो आज 15 से 25 दिन डिले हुआ है, नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मस्टर्ड का क्रॉप का फुल अराइवल होता है। अच्छा तो होली अब जो 27 मार्च है उसके बाद में फुल अराइवल होगा, उसके बाद में प्रेशर कम होगा। आज जो जो दिख रहा है मस्टर्ड के दाम 6000 के प्लस 6100 दिख रहा है, तो जो फ्यूचर कोट आ रहा है 5300-5400 आ रहा है। अच्छा। ये कंफर्म करता है कि भाव नीचे गिरेंगे। मस्टर्ड और मस्टर्ड का क्रॉप की जो नंबर आ रहा है वो 90 से 90 लाख के करीब आ रहा है, गवर्नमेंट तो 110 की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री में 85 to 90 की बात कर रहे हैं, पर जो भी नंबर है अच्छे नंबर है, लास्ट तक 75 लाख के सामने अगर 90 आ रहा है तो काफी अच्छा माहौल बनेगा और उसका प्रेशर भी बनेगा और थोड़ा तेजी में रुकावट आएगी। मगर एक महीना तो तेजी, ये तो वही मार्केट ऐसी तेज रहने वाली है, उसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं कि आपके दाम नीचे गिरे, और अल्टीमेटली तो किसान को भी 2 पैसा मिल रहा है तो आप मिल लेते। नहीं नहीं किसानों को पैसा मिले उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो मार्केट फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ कि आगे क्या होने वाले हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगले 1-1.5 महीने तक मार्केट अभी ऊपर ही रहेगा, गिरावट की गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका और DN पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि एडेबल ऑयल और ऑयल सीड का मार्केट अभी कैसा रहने वाला है। लेकिन एक और ख़बर का रुख करते हैं और वो भी खबर भी बेहद अहम है, और ख़बर ये है कि जो कमोडिटी पर प्री एक्सपायरी मार्जिन को लेकर कुछ नया नियम यहाँ पर बनाया गया है, अल्टरनेटिव रिस्क फ्रेमवर्क में आने वाली कमोडिटी पर प्री एक्सपायरी मार्जिन लागू होगा, जिस कमोडिटी में वैल्यू जीरो या नेगेटिव होने की आशंका होगी उस पर लागू होगा, और नकद निपटारे वाले सौदों के लिए प्री एक्सपायरी मार्जिन लगेगा। ये क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ CPAI के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाधवा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर इस खबर का क्या मतलब है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है? हाँ नमस्कार मृत्युंजय जी, ये पीछे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर डिस्कशन का पॉइंट रहा है कि वैसी सिचुएशन जो अभी क्रूड में हुई थी अप्रैल के अंदर, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या हम रेडी हैं, एक्सचेंजेस रेडी हैं दोबारा अपने मार्जिनिंग सिस्टम में, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल बिल्कुल इशू आ गए थे बड़े। तो इसी कोई डिस्कशन का एक ये बना था कि ARFM होगा, ARFM को बोलते हैं अल्टरनेटिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जो कि एक्सचेंज एंड पे लागू होगा। इसके अंदर जब एक्सपायरी होती है इंटरनेशनल, स्पेशली इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे क्रूड है या नेचुरल गैस है, जिसमें रेफरेंस प्राइस जो होता है वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का लिया जाता है, तो उसमें इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें स्ट्रेस टेस्ट करके इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि अगर प्राइजेस एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे आ जाते हैं तो उसके अंदर ये एक उसकी सेटलमेंट कैसे होगी और इसका आउटकम ये है कि उसमें मार्जिन कैसे लगेंगे। अच्छा नहीं मैं लेकिन ठीक है आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मैं वाधवा जी आपसे जानना चाहता हूँ कि एक ट्रेडर जो ट्रेडर हैं जो ट्रेड करते हैं कमोडिटी में उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसका? देखिए इसके अंदर जो आखिरी जो 2 दिन होते हैं प्री एक्सपायरी के तो उसके अंदर वो मार्जिन का मेरे को लगता है कि जब भी मेजर मूवमेंट आएगी, जैसे उन्होंने प्रिस्क्राइब करा है कि अगर वो 50% से ज्यादा गिर जाता है तो उसके अंदर उनको 50% MTM देना है, अगर 75 से 90% प्राइसेस गिर जाते हैं तो 100% MTM मार्जिन की शेप में देना है। तो ये जो मार्जिन हैं ये बढ़ जाएंगे जब भी मेजर मूवमेंट आएंगी इसके अंदर। तो मतलब ये कि बहुत ज्यादा इसमें मतलब ये कहा जाए कि उतार चढ़ाव की कोशिश नहीं हो पाएगी मार्जिन बढ़ने के बाद? हाँ जी ये उसका काउंटर करने के लिए ही है कि एक्सचेंज के पास अनब मार्जिन हो। हाँ। जब जैसा कि हमारा ऑयल के अंदर हुआ था नेगेटिव आ गया था 2800 सेटलमेंट हुआ था, अगर वैसी कभी सिचुएशन बनती है तो उसको काउंटर करने के लिए है, वैसे रेगुलर उसके अंदर इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा 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 ठीक है।
बहुत शुक्रिया नरेंद्र बाजवा जी आपका डिटेल में इस खबर को समझाने के लिए, बताने के लिए कि क्या इम्पैक्ट इसका होने वाला है। चलिए अब हम लौटते हैं गोल्ड और सिल्वर पर, सोने चांदी पर। सोने चांदी में तरुण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज का मार्केट आपको कैसा लग रहा है और आज गोल्ड और सिल्वर में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? गुड इवनिंग। मैंने देखा है लास्ट फ्राइडे से गोल्ड ने बॉटम आउट हुआ है एंड वंस अगेन काफी अच्छा रैली दिया है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में वंस अगेन गिरावट देखा है। साइमल्टेनियसली लास्ट 4-5 डेज से स्टॉक मार्केट में भी ग्लोबली सेलिंग देख रहे हैं। वेल, मुझे ऐसा लगता है जब तक कि 46,500 के नीचे स्लिप नहीं करेगा, जो बायर्स है वो बाइंग साइड में रहेगा। 46,600 पर बाय इनिशिएट किया जा सकता है, 47,100 और उसके ऊपर चलता है तो 47,500 तक प्राइस दिखा सकते हैं। बट यहाँ पर राइजिंग भी जो राइज है वो भी लिमिटेड रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, चाहे हम यूरोप की बात करें, यूके की बात करें, जर्मनी की बात करें, यूएस की बात करें, कहीं ना कहीं वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशनरी कंसर्न हुआ तो देर वुड बी टाइटनिंग इन द इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमी। अगर वो होगा तो वो गोल्ड के लिए ऑफ रेट नेगेटिव टर्न होगा, बट नन द लेस डॉलर का वीकनेस इज चीयरिंग फैक्टर फॉर अ गोल्ड। मुझे ऐसा लगता है डिप्स बाय करके चलना चाहिए आज के लिए। अच्छा ठीक है, ओके, ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी क्या करना चाहिए। राजीव जी, आपका व्यू अगले 6 घंटे के लिए क्या है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर? गुड इवनिंग विष्णुमोहन जी, मेरा भी व्यू बिल्कुल तरुण जी के साथ ही जा रहा है। मेरी राय में भी थोड़ा करेक्शन आए यहाँ पर, 46,700 के आसपास दाम मिले, खरीदारी करना चाहिए। 46,490 का स्टॉपलॉस रखना है और 100 का टारगेट हमें लगता है पॉसिबल है, अचीवेबल है आने वाले आज के सत्र में या कल के सत्र में। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रूड की, और क्रूड का मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और शाम के कारोबार में कच्चे तेल में करीब 0.2% की तेजी है और 4515 का लेवल दिख रहा है। सचिन जी बताएं, क्रूड में अभी भी बाई करने का मौका है या थोड़ा रुका जाए, करेक्शन का वेट किया जाए, गिरावट का इंतजार किया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, जी बिल्कुल, क्रूड के अंदर एक पिछले, अगर बात करें पिछले लेवल से, तो करीब अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। करीब 4000 के लेवल्स ब्रेक होने के बाद में वन वे तेजी क्रूड के अंदर देखने को मिली है। ऑल दो कुछ फंडामेंटल्स फैक्टर्स काफी पॉजिटिव है क्रूड के लिए। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की हम बात करें तो हमें लगता है कि करंट लेवल से बाय पोजिशन इनिशिएट करना चाहिए। डाउन साइड में 4440 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, अप साइड में हमें लगता है एक बार 4600 तक के इमीडिएट टारगेट जो है क्रूड के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। कॉपर इतना बढ़ गया तो मैंने आज 695.75 रुपए हम 10 लॉट बेचे हैं। क्रूड मैंने 4400 में कल बेचे थे 5 लॉट, क्या करूं दोनों में बताइए राजीव जी, क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, जिस तरह का ट्रेंड बना हुआ है दोनों कमोडिटीज में, शॉर्ट का ट्रेड तो नहीं बनता है क्योंकि ट्रेंड अभी भी अपसाइड है। हालांकि कॉपर करेक्ट भी हुआ है करीबन 15 रुपए आज, तो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर कॉपर और नीचे आ जाए, अगर 688-690 के आसपास आए तो मोदी साहब अपना कवर कर ले पोजीशन को, और ऊपर में फिर लगता है वापिस 705 जा सकता है। और क्रूड में भी शॉर्ट का पोजीशन नहीं रखना चाहिए जब तक क्रूड आज के लो के नीचे ट्रेड नहीं करता, जो कि 4450 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए बाय साइड के लिए। ठीक है, अगला सवाल है गोपाल का चुरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए गोपाल जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर जी, मार्जिन का गुआर पे भी जा सकता है क्या सर नेगेटिव? और राजीव कुपर जी सवाल है, गुआर 5000 आगे हो सकता है क्या 2-3 महीने में? बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी, लास्ट टाइम भी आई थिंक लास्ट में बात हुई थी, अभी 5000 का साफ लगता नहीं है। हालांकि क्रूड एक रेंज में, सॉरी ग्वार एक रेंज में ही चल रहा है, 3800 और 4000 की रेंज पकड़े हुए है, तो अगर 4000 की रेंज के दायरे को ऊपर की तरफ छोड़ता है तब उस स्थिति में मुझे मैक्सिमम जो लगता है अभी 4400 लगता है। ओके, ओवरऑल मेटल मार्केट पर अब आपका क्या व्यू है तरुण जी, और आज या अगले 1-2 दिन के लिए अगर कोई मेटल में ट्रेड लेना चाहे तो मेटल के कौन कौन से काउंटर आपको ठीक लग रहे हैं?
इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की बात करें तो हमने देखा है काफी अच्छा जंप आया, चाहे वो प्लेटिनम की बात करें, सिल्वर की बात करें, चाहे बेस मेटल्स की बात करें, और लास्ट वन वीक के अंदर हमने देखा है कि काफी गैलोपिंग मूव देखने को मिला है पूरे का पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर। दो महीने की मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ रही है कमोडिटीज के अंदर, तो आई थिंक आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। लेकिन प्राइसेस एक्चुअली देखा जाए तो जो कोविड के टेन्योर में लोज लगे थे वहां से ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं एंड वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। तो यहाँ पे मैं सलाह दूंगा डिप्स मिले तो बाय करके चलना चाहिए, बट कॉपर मुझे ऐसा लगता है कि दो महीने के अंदर 750 से 800 आ सकता है। दूसरा है काउंटर निकल, जो कि काफी अच्छा मूवमेंट दिया है, इसमें भी डिप्स पर बाय करके चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर 1500 रुपये का भाव ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक है, ओके। अगला सवाल है सानू का, पूछिए। सर मुझे ये पूछना है कि अप्रैल में आरएम सीड के भाव कहाँ तक नीचे तक चले जाएंगे? आरएम सीड सरसों के दाम कहाँ तक जा सकते हैं बताइए सचिन जी। जी मृत्युंजय जी, सरसों की अगर बात करें तो देखिए फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं थोड़े से बेयरिश होते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसके चलते हमें लगता है कि एक बार डाउनसाइड में वापस से सरसों के भाव करीब 5250 और 5200 तक के लेवल्स जो है वो सरसों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर थोड़ा रिवाइज करूंगा, थोड़ा भाव नीचे आ गए नेचुरल गैस के, तो 212.50 पर सेलिंग करना है और स्टॉप लॉस रखना है 216 का, टारगेट 206 रुपए। तरुण जी आपकी कॉल। तरुण में बाय किया जा सकता है मार्च फ्यूचर 4440 4445 पर, स्टॉप लॉस रहेगा 4400 के नीचे एंड टारगेट मुझे लगता है 4570 देखा जा सकता है। ओके, आपकी आखिरी कॉल सचिन जी। रूट में बाइंग की एडवाइस रहेगी करंट मार्केट प्राइस से 4440 के स्टॉप लॉस के साथ 4600 के टारगेट के लिए। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।